सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं विज्योतक ऊतक की, मेरिस्टमैटिक टिश्यू की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम क्लास 11th बायोलॉजी में हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। आज हम इसका भाग दो लेके आए हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से टिश्यू पर चर्चा की थी, प्लांट टिश्यू पर चर्चा की थी। इस दौरान मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी रचना, उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। क्योंकि ये पादप में पाए जाते हैं, इस कारण से हम इनको प्लांट टिश्यू कहते हैं, पादप ऊतक कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। और आज हम इस वीडियो में विज्योतक ऊतक पर चर्चा करेंगे, मेरिस्टमैटिक टिश्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजनशील होती है, ऐसे ऊतकों को विज्योतक ऊतक कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं, विज्योतक ऊतक कहलाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषिक दृष्टि से बात करें तो अपरिपक्व एवं समान कोशिकाओं से निर्मित, अपरिपक्व इमैच्योर एवं समान कोशिकाओं से निर्मित ऐसा समूह जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है तथा इनके निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है, विज्योतक या मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहलाते हैं। ये जहां पर पाए जाते हैं उसे मेरिस्टेम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जहां पर पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मेरिस्टेम कहा जाता है। नागेली के द्वारा विज्योतक ऊतक को मेरिस्टेम कहा गया था। यहां पर ध्यान रखना है कि नागेली के द्वारा विज्योतक ऊतक को क्या कहा गया था, मेरिस्टेम कहा गया था। ये मेरिस्टेम शब्द की अगर हम बात करें, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टोस से उत्पन्न हुआ है। मेरिस्टोस मतलब डिजिबल, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ऐसे ही कोशिकाओं का जो समूह है वह समूह क्या कहलाता है, विज्योतक ऊतक कहलाता है या मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहलाता है। इस ऊतक को फॉर्मेटिव टिश्यू भी कहा जाता है, फॉर्मेटिव टिश्यू या निर्माणी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नए प्रकार के ऊतकों को निर्मित करता है। ध्यान रखिएगा, इसको फॉर्मेटिव या निर्माणी ऊतक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नए प्रकार के ऊतकों को निर्मित कर रहा है। इसे प्रविभाजी ऊतक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रविभाजी ऊतक भी कहा जाता है। जनरली ये मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, मेरिस्टमैटिक रीजन में पाए जाते हैं। जहां पर ये ऊतक पाए जाते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, विज्योतक प्रदेश कहा जाता है या मेरिस्टमैटिक रीजन कहा जाता है। और ये पौधे का कौन सा भाग होता है, ये पौधे का होता है काई भाग, वेजिटेटिव पार्ट होता है। जनरली ये पौधे के शीर्ष भाग हो सकता है। अगर आप देखें तो अगर हम इस तरह से बात करें तो ये पौधे के शीर्ष भाग पर उपस्थित होंगे। अगर लेटरल साइड में भी है तो यहां पर जो शीर्ष भाग होगा यहां पर ये पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू की क्या क्या विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को हम समझते हैं और उन विशेषताओं को समझने के लिए आपको इन डायग्राम्स पर ध्यान देना होगा। अगर हम इस डायग्राम पर ध्यान दें तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार के ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये समान आकार की होती है, समव्यासी होती है, ये गोल, अंडाकार या बहुभुजी हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि विज्योतक ऊतक की कोशिकाएं समान आकार की, समव्यासी, गोल, अंडाकार या बहुभुजी होती है। तो यहां पर आपको ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, समान आकार की, समव्यासी, गोल, अंडाकार या बहुभुजी हो सकती है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि विज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर सटी हुई होती है, ये एक दूसरे से परस्पर सटी होती है। और परस्पर सटी होने के कारण अंतर कोशिकीय अवकाश इनमें नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, परस्पर सटी हुई होती है, जिस कारण से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरा कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात देखिए कि इनके जो सेल वॉल है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, यह जीवित और पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, ये जीवित होने के साथ साथ कैसी है, जनरली ये कैसी है, पतली भित्ति। अर्थात इनकी जो कोशिका है वो कैसी है, जीवित है, और इनकी सेल वॉल जो है वो पतली भित्ति वाली है और सेलुलोज की निर्मित होती है। जनरली पौधों में जो सेल वॉल है वो तो सेलुलोज की निर्मित होती है। ठीक है, एक और बात हमको यहां पर ध्यान रखना है
कि इसका जो केंद्रक होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो केंद्रक है इन कोशिकाओं के अंदर, विभाजोत्तक ऊतक की कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, जहां केंद्रक बड़ा और स्पष्ट होता है, ध्यान में रखिएगा ये इनका केंद्रक कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा है, ये बड़ा और स्पष्ट होता है। एक बात और, इस केंद्र इनकी कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है, यह जीव द्रव्य सघन और रिक्तिका विहीन होता है, अर्थात इसमें वैक्यूल्स का अभाव होता है और ये काफी डेंस होता है। चलिए एक और कैरेक्टर्स पर बात करें, इनकी कोशिकाएं जो है विभाजोत्तक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उपापचयी रूप से सक्रिय होती, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होती। क्यों होती है? क्योंकि इनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है और लगातार नई कोशिकाओं को निर्मित करती है, इस कारण से ये उपापचयी रूप से कैसी होती है, सक्रिय होती है। इसका एक और लक्षण देखें, इन कोशिकाओं के अंदर जो है स्टोर्ड फूड जो है वो एब्सेंट होता है, संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, अगर उपस्थित भी है तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एक और लक्षण देखें, इन कोशिकाओं में प्रोटीन और डीएनए संश्लेषण तेजी के साथ होता है, प्रोटीन और डीएनए संश्लेषण कैसा होता है, तेजी के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नई कोशिकाएं बना रही है, विभाजन की क्षमता इनमें पाई जा रही है। एक बात और ध्यान रखिए कि इन कोशिकाओं के अंदर जो प्लास्टिड है, जो लवक है, वो प्रोप्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। प्लास्टिड लवक जो है वो किस रूप में हो रहा है, प्रोप्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। साथ ही चूंकि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करते रहती है, इस कारण से इन कोशिकाओं के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है, केंद्रक जो है विभिन्न अवस्थाओं को ये शो करता है, कोई कोशिका प्रोफेज अवस्था में हो, कोई मेटाफेज अवस्था में, कोई एनाफेज अवस्था में, इस प्रकार से ये लगातार दिखाई देती है। तो हमने क्या जाना, विभाजोत्तक ऊतक इसे कहते हैं, कि ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है या जिसकी कोशिकाएं सतत विभाजनशील होती है, विभाजोत्तक ऊतक कहलाते हैं। कहां पाई जाती है? मेरिस्टमैटिक रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इन विशेषताओं को हमने अभी देखा। चलिए अब हम आगे हम बात करते हैं विभाजोत्तक ऊतक कितने प्रकार का होता है।